फेमस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभीरा को उसका पहला केस मिला है। और अब क्योंकि अभीरा को उसका पहला केस मिला है तो इस केस को लेकर अभीरा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। इस केस को लेकर अभीरा की खुशी का ठिकाना नहीं है। और अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अभीरा केस को लेकर जब कोर्ट में पहुंचेगी, कोर्ट में अभीरा पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है। जी हाँ, शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कोर्टरूम में अभीरा पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगेगा। कोर्टरूम में अभीरा पर ये इल्ज़ाम लगने वाला है कि उसने जज को रिश्वत दी है, जबकि अभीरा ने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं है। सीरियल के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां कोर्टरूम में अभीरा पर लगेगा जज को रिश्वत देने का इल्ज़ाम, और यहां पर अपने आप को बेगुनाह साबित करने में लग जाएगी अभीरा। वही अभीरा को समझ नहीं आएगा कि वो करे तो आखिर क्या करे। अभीरा को समझ नहीं आएगा कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे तो आखिर कैसे करे। इस बीच आप देखेंगे जज साहब अभीरा को गलत समझ बैठेंगे। वो अभीरा को धमकी देंगे, कोर्टरूम से बाहर जाने की धमकी देंगे, और अभीरा से ये भी कहेंगे कि अगर उसने इसी तरह से जज को खरीदने की कोशिश की तो अभीरा के खिलाफ यहाँ पर एक्शन भी लिया जाएगा। अभीरा के खिलाफ एक्शन लेकर उसे हमेशा के लिए कोर्टरूम से बाहर कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ रिश्वत देने का केस भी चलाया जाएगा। अब अभीरा कैसे अपनी बेगुनाही साबित करती है, अरमान कैसे अभीरा को बेगुनाह साबित करता है, सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में देखना होगा।